हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे, ये क्लास फोर की बुक है स्प्रिंग, और इसका है आज चैप्टर है माय बेस्ट फ्रेंड। देखो सबके फ्रेंड होते हैं ना, मेरा भी फ्रेंड या फ्रेंड है या फ्रेंड्स हैं, तुम्हारा भी कोई ना कोई फ्रेंड होगा कि नहीं होगा, है ना। एक हो दो हो उनमें सबसे अच्छा भी फ्रेंड, जैसे जिसके दो चार फ्रेंड हैं उनमें कोई एक सबसे अच्छा होगा जो तुम्हारी हर जगह सहायता करता होगा। तुम कोई प्रॉब्लम में होते होगे तो तुमको क्या करता होगा, सबसे पहले उसी के पास जाते होगे, है ना, उसके साथ खेलना पसंद करते होगे। वैसे तो फ्रेंड सभी होते हैं, जितने जिनसे तुम बातें करना पसंद करो, जिनके साथ घूमना पसंद करो, जिनके साथ सब करो, वो क्या होते हैं, फ्रेंड ही तो होते हैं। लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जिसके साथ तुमको अच्छा लगता हो वो क्या होता है, बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, जैसे यहाँ हम भी फ्रेंड हैं, हैं अक्की भी फ्रेंड हैं, और ये इनका क्या नाम है, रूही फ्रेंड, से बहुत सारे फ्रेंड हो। उनमें जब तुम सबसे ज़्यादा, अगर कोई कहे कि इनमें सबसे ज़्यादा लाइक किसको करती हो, पसंद किसको करती हो, तो जो नाम तुम्हारे मुंह पे सबसे पहले आएगा वो क्या होगा, इसका मतलब वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त होगा। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये है माय बेस्ट फ्रेंड। चलिए आइए पढ़ते हैं बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे माय बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, इसके पहले हमने अ लॉयन एंड द माउस पार्ट वन पार्ट टू करवा दिया है, आज हम पढ़ाएंगे माय बेस्ट फ्रेंड। देखो कल हमने बात की थी ना, मतलब कि कल हमने ये थोड़ा पढ़ाया था, आज हम उनको फिर से पढ़ाने जा रहे हैं। तो कल हमने आप लोगों को फ्रेंड की डेफिनेशन बताई थी ना, फ्रेंड कौन होता है, मतलब जिससे हम अपनी बातें शेयर करें, अगर हम किसी मुसीबत में हों तो जो लोग हमारी सहायता करें, समझ में आया कि नहीं, और जिसके साथ हम खेलना पसंद करें, जिसके साथ घूमना पसंद करें, वो क्या होते हैं, हमारे फ्रेंड, फ्रेंड होते हैं ना। और जैसे कि फ्रेंड में भी फ्रेंड तो बहुत होते हैं, जैसे हमारे 10-15-20 फ्रेंड जिसके जिसके साथ हम रहते हैं, जो हमारा बुरा नहीं सोचते, वो सब हमारे फ्रेंड ही तो होते हैं। लेकिन उन सभी फ्रेंडों में हम जिसके ज़्यादा क्लोज हों, क्लोज का मतलब जानते हो, जिससे जैसे सभी फ्रेंड बैठे हैं लेकिन जिस पर हमको ज़्यादा विश्वास हो, जिसके साथ हम ज़्यादा रहना पसंद करते हों, जिसके साथ हम ज़्यादा खेलना पसंद करते हों, जिससे अपना खाना शेयर करना पसंद करते हों, समझ में आया कि नहीं, जो तुम्हारे हर सुख दुख में तुरंत ही उपलब्ध हो, वो हमारा क्या होता है, बेस्ट फ्रेंड। फ्रेंडों में भी बेस्ट, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, समझ में आया कि नहीं। सबका बेस्ट फ्रेंड होता है, फ्रेंड तो बहुत होते हैं, क्लास में सभी बच्चे फ्रेंड ही तो हैं, बस जिनसे लड़ाई झगड़ा ना हो वो क्या होते हैं, वो हमारे दुश्मन बन जाए, लेकिन क्लास में भी दुश्मन नहीं बनाया करो, समझ में आया कि नहीं। और क्लास के सभी जितने भी स्टूडेंट होते हैं सभी एक दूसरे के क्या होते हैं, फ्रेंड ही होते हैं। लेकिन हम जिसके साथ ज़्यादा हम रहते हैं, जिसके साथ हमको ज़्यादा अच्छा लगता है, उन सभी लोगों में वो कौन होता है, बेस्ट फ्रेंड। जैसे तुम्हारा, जैसे कोई पूछे तुम्हारा फ्रेंड कौन है, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले किसका नाम आता है, अपने बेस्ट फ्रेंड का, जैसे तुरंत बोल आकांक्षा, जिसे हम पूछे अर्पित, समझ में आएगा, ऐसे जैसे तुरंत ही जिसके जो नाम आ जाए, जो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा उसी का नाम तो सबसे पहले आएगा, ऐसा तो है नहीं, सबसे लास्ट में आएगा। सबसे लास्ट में किनके नाम आते, जो हमारे होते हैं फ्रेंड, समझ में आया कि नहीं। तो ये था बेस्ट फ्रेंड की डेफिनेशन, आज हम यही वही चीज़ आज हम लोग बुक में पढ़ेंगे, और ये बुक में दिया हुआ है माय बेस्ट फ्रेंड, अपने फ्रेंड के बारे में बताना है कि वो कौन है, कहाँ पढ़ता है, किस क्लास में पढ़ता है, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये सब बातें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए चलिए पढ़ते हैं। एक बात और कहनी थी कि हमारे चैनल लर्न बेसिक नॉलेज विद प्रांजलि सिंह को पढ़ने से पहले क्या करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि डेली के वीडियोस आप लोग देख सकें और इजीली से छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा सकें, या फिर जो बच्चे देख रहे हैं वो पढ़ सकें। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। हमारे चैप्टर का नेम है माय बेस्ट फ्रेंड। माय मीन्स मेरा, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, फ्रेंड मीन्स मित्र या दोस्त, मेरा सबसे अच्छा दोस्त या फिर मित्र। तो देखिए क्या लिखा, रीड अलाउड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, मतलब रीड अलाउड पढ़ना है हमको, तेज तेज पढ़ना है, सेंटेंसेस मतलब वाक्यों को, गिवन बिलो जो नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, हेलो, क्या लिखा है, हेलो आई एम सत्यम, ठीक है,
आप देखो हम ये चीज़ जैसे ये सत्यम बता रहा है अपने बारे में कि सत्यम मेरा नाम है, मेरा ये मित्र है, वो इतने साल का, वो यहाँ पर। तो पहले जैसे हमको अपने अपने मित्र के बारे में बताना है तो सबसे पहले क्या हम डायरेक्टली उसी के बारे में बताने लगेंगे? नहीं, सबसे पहले हम अपना इंट्रो देंगे कि हम कौन हैं, हमारा मित्र कौन है। ठीक है, तो क्या लिखा है? आई एम सत्यम, मतलब मैं सत्यम हूँ। ठीक है, अमन इज माई बेस्ट फ्रेंड। अमन मतलब अमन, इज मीन्स है, माई मीन्स मेरा, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, फ्रेंड मतलब दोस्त। मैं अमन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। ही इज 9 years old। ही मीन्स वह, इज मीन्स है, 9 years old मतलब 9 साल का, वह 9 साल का है। अब चुप रहो की He studies in class 4। He मतलब वह, study means होता है पढ़ना, लेकिन जब study में IES जुड़ जाता है तो वो हो जाता है पढ़ता है। He means वह, studies मतलब पढ़ता है, in class 4 मतलब कक्षा 4 में, वह कक्षा 4 में पढ़ता है। फिर रानी इज आल्सो माई गुड फ्रेंड। रानी मीन्स रानी, इज मतलब है, आल्सो मतलब भी, माई मतलब मेरी, गुड मतलब अच्छी, फ्रेंड मतलब दोस्त। रानी भी मेरी अच्छी दोस्त है, लेकिन वो अमन की इतनी अच्छी दोस्त नहीं है, इसलिए यहाँ गुड लगा है। वहाँ क्या लिखा है? बेस्ट, मतलब इस बेस्ट में होता है किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते, और गुड में कंपैरिजन किया जा सकता है। फिर आगे देखिए, शी इज 8 years old। सी मतलब वह, इज मतलब है, 8 मतलब 8, ईयर्स मतलब साल की। ठीक है, वह 8 साल की है। शी स्टडीज इन क्लास 3। वह कक्षा 3 में क्लास 3 में पढ़ती है। दे स्टडी इन प्राइमरी स्कूल कानपुर। दे मीन्स वे, स्टडी मतलब पढ़ते हैं, इन मतलब में, प्राइमरी स्कूल मतलब प्राइमरी स्कूल कहाँ के? कानपुर के। ठीक है, वे प्राइमरी स्कूल कानपुर में पढ़ते हैं। दे लिव इन कानपुर। वो कहाँ रहते हैं? वो कानपुर में रहते हैं। अब आगे देखिए, फिर आगे क्या दिया जा रहा। अब ये एक्सरसाइज दी गई है, ये हमने कल इनको भरवाया था, किसको? सोनम को। तो देखो क्या ले, राइट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड इन द स्पेस गिवन बिलो। ये तो हुई बुक की बात। अब जो जो बच्चे ये बुक पढ़ेंगे वो अपने अपने फ्रेंड के बारे में लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है? फ्रेंड्स नेम। सबके फ्रेंड अलग अलग होंगे कि नहीं? तो मेरे फ्रेंड का क्या नाम है? जैसे ये आर्यन की बुक है, तो आर्यन की अगर बुक होती तो आर्यन क्या पढ़ते? आर्यन तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का क्या नाम है, सबसे अच्छे दोस्त का? ये देखो इनको सोच आ रहा है, बताओ बेस्ट फ्रेंड है कि नहीं तुम्हारे? है। कौन है? बहुत है। अरे बहुत थोड़े होते बेस्ट फ्रेंड, एक होता है। बताओ जल्दी से, बताओ भाई। अच्छा चलो सोनम बता दो, सोनम ही है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। ठीक है चलो, तो यहाँ क्या लिखेंगे? माई बेस्ट फ्रेंड इज सोनम। समझ में आया कि नहीं? अब हर एज, उसकी उम्र बतानी है, किसकी? सोनम की। तो सोनम ठहरी लड़की, इसलिए हम क्या इसको क्या किस पे ध्यान देंगे? हर एज। अगर कोई बॉय होगा तो हिज एज। समझ में आया कि नहीं? तो बताओ सोनम कितने साल की है? 10 ईयर। तो यहाँ क्या लिखेंगे? अब बताओ सोनम के लिए सी लगाएंगे कि ही लगाएंगे? सोनम के लिए सी, लड़की के लिए ही लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सी। तो फिर तो क्या लिखे? सी इज, देखो इसमें इज मिस कर दिया है। शी इज 10 years old। अब तुमको ये बताना है कि हर क्लास, उसका उसकी कक्षा, वो किस कक्षा में पढ़ती है? 4। तो क्या लिखेंगे? सी स्टडीज इन क्लास 4। अब उसकी हिज या हर स्कूल नेम बताना, उस वो किस स्कूल में पढ़ती है, उसके स्कूल का नाम। तो सी स्टडीज इन प्राइमरी स्कूल कहाँ के? कानपुर के स्कूल में पढ़ती है। और तुमने तो यहाँ कानपुर लिख दिया है, हैं? महनौरा। क्या लिखेंगे? महनौरा। ठीक है, उन्नाव। ये महनौरा कहाँ पढ़ता है? उन्नाव। समझ में आया कि नहीं? सी स्टडीज इन प्राइमरी स्कूल महनौरा, और ब्रैकेट में कर देंगे उन्नाव। फिर हिज एड्रेस, उसका पता बताना है वो, कि वो कहाँ रहती है। तो क्या लिखेंगे? सी लिव्स इन महनौरा उन्नाव। समझ में आया कि नहीं? फिर हिज हॉबी बतानी, हिज या हर हॉबी, उसकी आदत बतानी कि वो क्या पसंद करती है, क्या नहीं पसंद करती है। तो क्या करती है सोनम? क्या करती है? वो ज़्यादा खेलती कूदती ज़्यादा है। तो क्या लिखेंगे?
सी लाइक्स टू प्ले वेरी मच। समझ में आया कि नहीं? फिर अनदर फ्रेंड्स नेम, दूसरे मित्र का नाम बताना है। इनके अलावा और कोई फ्रेंड है? कौन है इसे? आंचल बता दो कि माई अदर फ्रेंड्स नेम इज आंचल। समझ में आया कि नहीं? जैसे इसमें था नहीं कि रानी इज आल्सो माई गुड फ्रेंड, बेस्ट तो अमन था लेकिन दूसरा मित्र भी इनका था, कौन? रानी। इसीलिए तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तो तुम्हारी सोनम है, लेकिन जो तुम्हारी दूसरे फ्रेंड हैं वो क्या है? आंचल। इनसे तुम कभी भी रूठ भी जाते हो लेकिन सोनम से कभी तुम रूठते नहीं हो। समझ में आया कि नहीं? बात बिल्कुल सही है कि नहीं? तुमसे कभी कभी लड़ाई भी कर लेते हैं लेकिन सोनम इनकी बेस्ट फ्रेंड है, इनसे लड़ाई वगैरह नहीं होती है। तो ये हुआ हमारा ये चैप्टर माय बेस्ट फ्रेंड कंप्लीट। अब कर लोगे कि नहीं बताओ? क्या लिखेंगे? अनदर फ्रेंड्स नेम, माय अदर फ्रेंड्स नेम इज क्या? कुछ भी जो जो आता हो तुमको, जिसका नाम तुमको आता हो या तो जो तुमको फ्रेंड लगता हो उसका नाम लिखना है। समझ में आया? तो ये हुआ कंप्लीट। अब कल हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे, उसका नाम है माय स्कूल एंड क्लासरूम। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।